बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में कोहली रच देंगे इतिहास, सचिन गावस्कर के क्लब में होंगे शामिल। और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐतिहासिक महारिकॉर्ड बना सकते हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करते हुए यह बताएं कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करते हुए वहां भी वीडियो को लाइक शेयर एवं प्यारा सा कमेंट करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता और हमारा हौसला बढ़ता है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली एक ऐतिहासिक महारिकॉर्ड बना सकते हैं। इस महारिकॉर्ड को अभी तक भारत के केवल 3 बल्लेबाज ही बना पाए हैं। विराट कोहली अगर बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 152 रन बना लेते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज होंगे। मौजूदा समय में खेलने वाले बल्लेबाजों में केवल जो रूट और स्टीव स्मिथ ही 9000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने में कामयाब रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के जो रूट ने 12,027 रन और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 9,685 रन बनाए हैं। अगर विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 152 रन बना लेते हैं तो वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद चौथे भारतीय बल्लेबाज होंगे। मौजूदा समय में खेलने वाले क्रिकेटरों में विराट कोहली ये रिकॉर्ड बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज होंगे। विराट कोहली ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 8,848 रन बनाए हैं। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सचिन तेंदुलकर ने दुनिया में सबसे ज्यादा 15,921 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 15,921 रन, राहुल द्रविड़ 13,288 रन, सुनील गावस्कर 10,122 रन, विराट कोहली 8,848 रन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एक्टिव बल्लेबाज जो रूट इंग्लैंड 12,027 रन, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 9,685 रन, विराट कोहली भारत 8,848 रन, केन विलियमसन न्यूजीलैंड 8,743 रन। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भारत 15,921 रन, रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया 13,378 रन, जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका 13,289 रन, राहुल द्रविड़ भारत 13,288 रन, एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड 12,472 रन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर भारत 51 शतक, जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका 45 शतक, रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया 41 शतक, कुमार संगकारा श्रीलंका 38 शतक, राहुल द्रविड़ भारत 36 शतक, यूनिस खान पाकिस्तान 34 शतक, सुनील गावस्कर भारत 34 शतक, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज 34 शतक, महेला जयवर्धने श्रीलंका 34 शतक, एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड 33 शतक, केन विलियमसन न्यूजीलैंड 32 शतक,
स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 32 शतक। स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया 32 शतक। जो रूट इंग्लैंड 32 शतक। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया 30 शतक। 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज। भारतीय टीम को 19 सितंबर को क्रिकेट के मैदान पर उतरना है। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा। दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की ये टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होने वाली है। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 सितंबर से 23 सितंबर तक चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से 23 सितंबर सुबह 9:30 बजे चेन्नई। दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर सुबह 9:30 बजे कानपुर। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए ऐसा हो सकता है भारत का स्क्वाड। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, विकेटकीपर केएल राहुल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, विकेटकीपर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।